वाह 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 वाह, ऐसे ड्राई ने तो खुद डाल रखा है। टीएसएम अप्रोक्स कितना पे करती थी? माय सैलरी इन टीएसएम एग्जैक्ट नहीं बता सकता, एग्जैक्ट नहीं, 80,000 से 1,20,000 के बीच में, ये सैलरी था, सैलरी बोल रहा हूँ, मतलब उधर तो सैलरी मिलती थी, उधर बाकी कुछ कमाई थी नहीं वैसे भी। अभी कितना अप्रोक्सीमेटली? अरे अब तो महा बहने कर रखी सी है। यू नो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू जस्ट से इट आउट लाउड, आई थिंक वन वन डे, कि हाउ मच मनी वी हैव, बट सी एट दैट पॉइंट सैलरी वाज बिटवीन 80,000 टू 1,20,000, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता। अभी 10 कर दो आफ्टर मल्टीप्लाई। एसएटीएल इन द लास्ट 3 to 4 months, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, वी हैव मेड समवेयर बिटवीन 10 to 15 lakh रुपीज अ मंथ, बेयर मिनिमम टोटल, मतलब चलो मुझे लग रहा मैं लीक करने वाला हूँ, भाईजान ने पहले ही हक दिया। ठीक है, द हक रहे पैकेज, वो आई थिंक इंटेंशनल है। मेरे को बताना है, मतलब आई नो सब लोग को छुपाना पसंद है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट मेरे को सिर्फ बताना है कि हाउ योर, मतलब कैसे। नहीं ये भी अपनी जगह ठीक है बताना, ठीक है अपना अपना होता है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं छुपाने का मेन रीजन क्या है। अब जैसे कि मुझसे बोलो कि आपने अभी कितना कमाया, ठीक है ना, एक स्ट्रीम पे, ठीक है चलो मैं भी इनकी तरह वर्क करता हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरा अभी स्टूडियो है, ठीक है, अभी ये स्ट्रीम का हाईलाइट है। अब इतना रुपया कमाया हुआ दिख रहा होगा तुम लोग, लेकिन इसमें से 16,000 रुपया घटा दो, शायद 16 या 14 हज़ार रुपये जो कि स्कैमर्स आए थे, एससी दिया था और वो मैंने डिलीट किया था, लेकिन वो यहाँ पे रजिस्टर्ड रहता है, ठीक है। और 500-400 रुपया वो हटा दो जो कृतिका रिट्रैक्ट करके ले गई, तो हाँ बचा कुछ है ये। अच्छा अब देखो क्या होता है छुपाने का मेन रीजन, कि बहुत सारे लोग जज करते हैं चीजों पे, तो बहुत कमाते हैं ये लोग तो और ये वो, इसलिए हम नहीं बताते कि नती बताओ। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हाँ चलो ठीक है इतना कमाते हैं, ठीक है सही है, क्योंकि देखो सरकार से तो कुछ कुछ नहीं छुपा है ना, उनको तो पता ही है चीज, हम लोग कुछ छुपाते तो है नहीं। लेकिन जो चैट में कुछ जजमेंटल लोग होते हैं उनसे नहीं छुपाते, कि उनसे छुपा लेते हैं क्योंकि भाई क्यों अनशन सुनना, बस इस वजह से। 10x 20x कैसे हो जाता है तुम्हारा अर्निंग्स यहाँ पे आने के बाद?